तो आज हम क्या पढ़ेंगे, टीनोफोरा के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है टीनोफोरा, इस बात को समझिएगा, ठीक है। टीनोफोरा की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या रहता है, टिश्यू ग्रेड रहता है। क्या रहता है? टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन रहता है। ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन मैं पहले चैप्टर में बता चुका हूँ, है ना। ये सारा का सारा मैं फर्स्ट में, सिमेट्री कौन सी होती है, रेडियल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री होती है? रेडियल सिमेट्री, ठीक है। अच्छा, रेडियल सिमेट्री के लिए याद रखना एक ट्रिक बता दे रहा हूँ तुम लोगों को, है ना। रेडियल सिमेट्री के लिए एक ट्रिक है, तो सुनते जाना रेडियल सिमेट्री की क्या ट्रिक है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री की अगर मैं बात करूं तो कंफ्यूजन हो जाती है ना, रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल से आपको क्या याद आ रहा है, रेडियस याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, रेडियस याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, रेडियस, ठीक है। अगर रेडियस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, रेडियस जो होता है, अपन जो होते हैं कहां बनाते हैं रेडियस, कहां बनाते हैं, सर्कल का, सर्कल का बनाते हैं रेडियस, ठीक है। और ये बताओ कि सर्कल कहां बनाते हो ज्यादातर, सर्कल जो है प्रोटेक्टर से ज्यादातर कहां बनाते हो, एग्जाम के टाइम पर, अन्यथा तो तुम ऐसे घुमा देते हो, होता है कि नहीं। तो ज्यादातर जो सर्कल है हम कब बनाते हैं, एग्जाम के टाइम पर, आ रही बात समझ में। तो याद रखना सर्कल से, सर्कल से याद रखना आपका एक टीनोफोर, कौन सा, एक तो आपका नाइडेरिया, नाइडेरिया, टीनोफोरा, सी से याद रखना, ठीक है ना, और ई से इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। इन तीनों के पास क्या रहती है, क्या रहती है, रेडियल सिमेट्री रहती है। कौन सी सिमेट्री रहती है, रेडियल सिमेट्री रहती है। आई बात समझ में क्लियर है? तो रेडियल सिमेट्री की ये क्या है अपने पास, ट्रिक है, समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान में रखना, आज अपन और भी ट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। ट्रिक देता हूं, ठीक है। सेगमेंटेशन किस किस में होती है, मैं आपको सेगमेंटेशन की ट्रिक देता हूं, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, अपन सेगमेंटेशन का मतलब होता है ना, सेगमेंट्स होते हैं कोई भी चीज के, है ना। जैसे ये जो है अपन 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 ने जो है हॉट डॉग लिया, ठीक है, या फिर अपन ने जो है पिज्जा लिया, क्या लिया अपन ने, पिज्जा लिया, अपन का फेवरेट। फिर उसको अपन क्या कर देते हैं, ऐसे सेगमेंट कर देते हैं उसके, क्या कर देते हैं, ऐसे सेगमेंट कर देते हैं कि नहीं करते, है ना। तो अगर कम चार सेगमेंट हो जाते हैं, और अगर 10-15 लोग एक ही पिज्जा खाएंगे तो कैसे सेगमेंट करोगे, ऐसे ही कर दोगे, तगड़ा, है ना, गार्लिक ब्रेड के करते हैं जैसे अपन, है ना। तो ये होती है सेगमेंटेशन, ये क्या होती है, सेगमेंटेशन। और अनार के भी याद करो, तुम अनार कैसे खाते हो, अनार खाया है, हाँ सर क्यों नहीं खाया, सब सब खाते हैं। तो अनार अगर अपन जब खाते हैं तो क्या करते हैं, अनार के ऐसे सेगमेंट करते हैं कि नहीं करते, करते हो कि नहीं करते, ऐसे सेगमेंट टुकड़े करते हो कि नहीं करते, ऐसे ऐसे टुकड़े करते हो गए ना, करते हो ना, ऐसे सेगमेंट करते हो। तो अनार से याद रखना, अनार ही ट्रिक है अपन की। अनार का क्या कर दिया मैंने, अनार लिया, और अनार का क्या कर दिया मैंने, सेगमेंटेशन। बिना सेगमेंट करके खा सकते हो अनार को, बिना टुकड़ा किए खा सकते हो सीधा, वो तो कवर रहता है सीधा, खाया होगे कैसे, नहीं खाते ना जनरली, जानवर हुए तो अलग बात है, तुम लोग, अपन तो इंसान है, इंसान की तरह खाएंगे तो ऐसे ही खाएंगे, है ना, जानवरों की तरह अपन नहीं खाएंगे। तो ट्रिक क्या भैया, अनार, क्या ट्रिक है, अनार क्या क्या कर दिया, अनार का सेगमेंटेशन, अनार का क्या कर दिया, सेगमेंटेशन, क्या कर दिया, अनार का सेगमेंटेशन कर दिया, समझ आया, ठीक है, क्या कर दिया, अनार का सेगमेंटेशन, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान में रखना भाई। अब एन से क्या होगा, ठीक है, एनेलिडा, क्या होगा बेटा, एनेलिडा, ठीक है। एआर से क्या होगा, आर्थोपोडा, क्या होगा, आर्थोपोडा, ठीक है, अरे बात समझ में, ठीक है। अनार का से क्या होगा, ठीक है, अनार का क्या कर दिया मैंने, सेगमेंटेशन, ठीक है, या ऐसे लिख दो, अनार को सेगमेंट में तोड़ दिया मैंने, क्या कर दिया, अनार को सेगमेंट में तोड़ दिया, अनार को सेगमेंटेशन कर दिया, अनार, ठीक है, सेगमेंट, ठीक है, अनार का क्या कर दिया मैंने, अनार को सेगमेंटेशन कर दो, ठीक है। तो को से हो जाएगा तुम्हारा कॉर्ड डेटा, को से क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉर्ड डेटा, आई बात समझ में। और सेगमेंट यानी क्या हो गया, सेगमेंटेशन, सेगमेंट क्या हो गया, सेगमेंटेशन, क्लियर है, समझ में आ गया ये बात, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गई ट्रिक आपकी, किसकी, ये ट्रिक किसकी हो गई, सेगमेंटेशन, ये किसकी ट्रिक हो गई है, सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन किस किस के अंदर मिलती है, एनेलिडा, आर्थोपोडा और आपका कॉर्ड डेटा के अंदर अपन को क्या मिलेगी, सेगमेंटेशन। कैसी सेगमेंटेशन, देखा होगा ना, एनेलिडा कौन से होते हैं, अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म में आपने आपने सेगमेंटेशन देखी है, उनमें अर्थवॉर्म में क्या देखी है, अर्थवॉर्म में सेगमेंटेशन, क्या बेटा ये, सेगमेंटेशन, क्लियर है, समझ में आ गया ये बात। तो एनेलिडा में क्या होती है ये, अर्थवॉर्म में क्या होती है ये, सेगमेंटेशन, क्लियर है, चलो।
ठीक है, ये बात मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, सब कुछ दो लेयर होती है इसकी, एसीरोमेट होता है, ये भी सब बता चुका हूं। अब मैं आपको इसकी हैबिटेट बताऊंगा, क्या बताऊंगा इसकी हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट की अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं एक्सक्लूसिवली मैराइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी मेन। ये कैसे होते हैं, ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, क्या होते हैं एक्सक्लूसिवली मैराइन, ठीक है। मतलब आपको ये सिर्फ जो है ओशियंस में मिलेंगे, कहां मिलेंगे ओशियंस में मिलेंगे, आपको ये रिवर वगैरह में नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओशियन और सी में मिलेंगे, ठीक है, ओशियन एंड सी में, ठीक है, ओशियन और सी में मिलेंगे, ठीक है। सॉलिटरी मिलेंगे, सॉलिटरी मतलब अकेला, सॉलिटरी मतलब क्या होता है अकेला, ठीक है, किसे मिलता है अकेला, अकेले ही आए थे, अकेले ही जाना है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, ठीक है। तो ये और प्लेग, प्लेग मतलब समुद्र की भी अगर मैं बात करूं, समुद्र की भी अगर मैं बात करूं तो समुद्र में भी ये बीच के किनारे पे मिल जाए, ठीक है, तो किनारे पर नहीं मिलेंगे, कहां नहीं मिलेंगे ये किनारे पर नहीं मिलेंगे, किनारे पर नहीं मिलेंगे ये, नहीं तो मिल जाते तो इनको अपन देख के जो है बढ़िया इनकी, इनको खा जाते अपन, किसी को छोड़ा है क्या, इसको भी खा जाते, ठीक है, चाइनीज तो वैसे भी नहीं छोड़ते कुछ, है ना, तो किनारे पर नहीं मिलेंगे ये बेचारे बच गए, है ना, वे नहीं मिलेंगे, बीच में मिलेंगे, कहां मिलेंगे ये बीच में मिलेंगे, ठीक है, बीच मतलब वो समझ गए ना, मिडिल में मिलेंगे, ठीक है ना, ओशियन के बगल मिडिल में, के मिडिल में मिलेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो उसे कहते हैं प्लेग, क्या कहते हैं प्लेग, आई बात समझ में, ठीक है भाई, समझ में आ गया, तो ये बात ध्यान रखना। तो मैंने एक से पूछा भाई प्लेग का मतलब क्या होता है, तो बोलते हैं सर ये खेलते भी मिलते हैं प्लेग, है ना, उसके बाद ध्यान रखना ऐसे नहीं, तो हाँ मतलब अब ये क्या है, थोड़ी इनकी रोशनी चमकती है, क्या करते हैं रोशनी इनकी है ना, रोशनी बड़ी ये जो है बताऊंगा अभी मैं, ये बायो ल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, क्या शो करते हैं बायो ल्यूमिनेसेंस, क्या होती है ये बायो ल्यूमिनेसेंस, बायो ल्यूमिनेसेंस मतलब समझ रहे हो, देखो ये चमक रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं ये चमक रहे हैं, तो इसे कहते हैं बायो ल्यूमिनेसेंस, क्या ले कहते हैं इसे, बायो मतलब लिविंग, बायो मतलब, और ल्यूमिनेसेंस मतलब चमकना, तो तुम्हें दिमाग में चमका ये बात, क्या होता है बायो ल्यूमिनेसेंस, समझ में आया, तो चमकना ये जो जब लिविंग चमकते हैं तो उसे कहते हैं बायो, क्या कहते हैं बायो ल्यूमिनेसेंस, और जब ये ट्यूबलाइट व्यूबलाइट चमकती है तो उसे कहते कहते हैं ल्यूमिनेसेंस, क्या कहते हैं, और जब लिविंग चमकने लग जाए तो क्या कहेंगे बायो ल्यूमिनेसेंस, आई बात समय में, ठीक है। तो अपन कहते हैं ना आज तो बहुत चमक रहा है, क्या बात है, अरे बात समय में, तो ये कुछ उसी तरीके की अपन क्या बोलेंगे, आज तो बहुत बायो ल्यूमिनेसेंस हो रहा है तू, क्या बात है ना। चलो अब सुनना ढंग से, अगर मैं बात करूं इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है इसमें, इनकम्प्लीट, कैसा है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, एक ही से ही लेगा ये, इसका क्या मतलब होगा, एक ही जगह है, या यहीं से लेगा यहीं से ही छोड़ेगा, है ना, माउथ माउथ या एनस सब एक ही है, क्या भैया एक ही है, एक ही से ही लेगा एक ही से ही छोड़ेगा, ठीक है। इंट्रा सेलर और एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन कल मैंने आपको बताया था, तो इसमें दोनों तरीके की क्या मिलती है, डाइजेशन मिलती है, दोनों तरीके की डाइजेशन मिलती है, सेल के अंदर भी होगी और सेल के बाहर भी होगी, सेल के अंदर यानी इंट्रा सेलुलर, और सेल के अगर बाहर डाइजेशन हो तो क्या कहलाई जाती है वो, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, क्लियर है, समझ में आ गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें सब अब्सेंट रहेगा, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम सब अब्सेंट रहेगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, रिप्रोडक्शन की बात करूं भैया, रिप्रोडक्शन तो सब करते हैं, ठीक है, सारे सिस्टम अब्सेंट हो कोई दिक्कत चलेगा, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब्सेंट नहीं होना चाहिए, आदिवासी में तो ठीक है, तो सब में क्या होगी भैया, रिप्रोडक्शन तो सब में होगी, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो ठीक है, बच्चे कहाँ से आगे पढ़ेंगे, है ना, बच्चे भी तो चाहिए ना, नहीं तो ये जो है दिखने बंद हो जाएंगे, बच्चे बनाएंगे जरूरी है बच्चे बनाना, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं भाई साहब, कैसे करते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ना, आदिवासी में। अब ये कैसे होते हैं हर्माफ्रोडाइट, कैसे होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट मतलब हर्माफ्रोडाइट वो होते हैं यानी बायसेक्सुअल, कैसे होते हैं बायसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट यानी क्या होते हैं बायसेक्सुअल, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं, है ना, तो ये है ना मेल और फीमेल सेक्सुअल का एक ही बॉडी में, किसी और की जरूरत ही नहीं, इंडिपेंडेंट लोग हैं, कैसे लोग हैं भैया ये, सब मेल और फीमेल सेक्सुअल इनके पास ही है, क्या भाई इनके पास है, आदिवास में। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो रही है, इनडायरेक्ट का मतलब है कि बीच में लार्वा बनेगी, क्या बनेगा बीच में लार्वा बनेगा, क्या बनेगा बीच में लार्वा बनेगा, क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसमें लार्वा स्टेज बनेगी तो होता है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, और लार्वा स्टेज अगर नहीं बने तो डेवलपमेंट क्या होता है डायरेक्ट, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसी होगी,
एक्सटर्नल. बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो तो क्या कहलाई जाती है? इंटरनल. और बॉडी के बाहर हो तो वो क्या कहलाई जाती है? फर्टिलाइजेशन. मिलाव जो है गैमिट्स का, वो अगर बॉडी के अंदर हो तो क्या कहलाया जाएगा? इंटरनल. क्या कहलाया जाएगा? इंटरनल. और जो गैमिट्स का जो मिलन है वो बाहर हो बॉडी के, कहाँ हो? बाहर हो, तो क्या कहलाया जाएगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो यहाँ पर जो है मेल और फीमेल गैमिट कहाँ मिलते हैं? बाहर मिलते हैं. कहाँ पर? पानी के अंदर. कहाँ पर? पानी के अंदर मिलते हैं. ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो सब यूनिक, मतलब इसमें नया क्या है? पहली बात तो नया ये है कि ये चमकते हैं. क्या? ये ओशियन में चमकते हैं. पहली बात तो ये बात हो गई. दूसरी बात भाई साहब, इसके अंदर जो है टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं. इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इस तरीके के टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं. इस तरीके के क्या प्रेजेंट होते हैं? टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं. समझ पा रहे हो क्या प्रेजेंट होते हैं? ये टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, समझ आया? दूसरी, इसमें क्या होती है? प्लेट्स प्रेजेंट होती है. इस तरीके की क्या प्रेजेंट होती है? इसे प्लेट्स प्रेजेंट होती है. जैसे अपन क्या कहते हैं, 8 प्लेट्स होती है. कितनी? 8 प्लेट्स होती है. ठीक है, जैसे तुमने देखा है, ये तुमने देखा है कि अपन जैसे कोई वो हो, सेव हो. सेव क्या होता है? सेव हो. क्या ये सेव है? सेव, सेव के अपन ऐसे टुकड़े करते हैं कि नहीं? 8. सेव के ऐसे टुकड़े करते हैं 8. देखे इस तरीके से पीस कर देते हैं अपन 8. देखे होंगे तुमने, है ना? ऐसे करके तुम जो है काट देते हैं अपन सेव को. 1 जैसे, 2 ऐसे, 3 ऐसे, 4 ऐसे टुकड़े कर देते हैं. तो 8 टुकड़े कर देते हैं. ऐसे इसके भी 8 ऐसे टुकड़े हैं ये, है ना? टुकड़ों टुकड़ों में जी रहे हैं ये भी. क्या कर रहे हैं? ये टुकड़ों टुकड़ों में जीते हैं. ये टुकड़े टुकड़ों से क्या बनती है? ये टुकड़े टुकड़ों की प्लेट्स हैं. ये टुकड़े क्या है? ये प्लेट्स. इन्हें अपन कहते हैं कॉम्ब प्लेट्स. क्या कहते हैं? कॉम्ब प्लेट्स कहते हैं. ठीक है, तो ये जो कॉम्ब प्लेट्स होती हैं, उस ऐसा लगता है कि जैसे 8 टुकड़े जोड़ के बनाया गया उनको. कैसे? 8 टुकड़े उनको जोड़ के बना हुआ है. एक प्लेट, ये देखो, दिख रहा है? एक प्लेट, 2 प्लेट, ऐसे 3 प्लेट, 4 प्लेट, ऐसे बहुत सारी प्लेट से बने हुए हैं ये. ठीक है, बहुत सारी किससे बने हुए हैं? प्लेट से मिलकर के बने हुए हैं ना. तो 8 प्लेट से मिलकर बने हुए. कितनी? 8 प्लेट से मिलकर बने होते हैं. ठीक है, और ये टेंटिकल्स होते हैं. ये क्या है इनके? टेंटिकल्स. टेंटिकल्स में होती है सीलिया. टेंटिकल्स में क्या होते हैं? जिनसे ये मूव करते हैं. क्या करते हैं? ये मूव करते हैं. आई बात समझ में? टेंटिकल्स प्रेजेंट. ठीक है, और इनकी ये जो कॉम्बो प्लेट्स होती है ना, कॉम्बो प्लेट्स, ये देखो, ये कॉम्बो प्लेट है. ये टुकड़े है ना, एक तो ये टुकड़ा रहा, एक ये टुकड़ा रहा. ठीक है, तो ये क्या है? टुकड़े हैं. ये क्या है? ये टुकड़े. टुकड़ों में भी क्या मिलेगा आपको? सीलिया. क्या मिलेगा इसमें? सीलिया. क्या मिलेगा? तो इनकी, इनको प्लेट्स तो है. ये क्या कहते हैं बेटा? ये प्लेट दिख रही है आपको? ये प्लेट दिख रही है? ये प्लेटें. तो ये प्लेट तो है, लेकिन कॉम्ब जैसी है. ये कैसी है? ये कॉम्ब जैसी, मतलब जानते हो, ऐसी कॉम्ब जैसी. ठीक है, ऐसे कंगे जैसी. कॉम्ब यानी क्या होता है? कंगा. कॉम्ब यानी क्या होता है? कंगा. आरी बात समझ में? कॉम्ब यानी क्या होता है? कंगा. ठीक है, कंगे जैसी है. कैसी है? ये कंगे जैसी प्लेट है, इसलिए इसका नाम रखा है कॉम्ब प्लेट. क्या रखा गया है? और कितनी प्लेट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. 8 टोटल प्लेट है. कितनी? 8. ऐसा लगता है जैसे तरबूज को 8 पीस में काट दिया हो. कैसे? तरबूज को 8 पीस में काट दिया हो. लेकिन हर एक प्लेट में क्या मिलेगा अपन को? क्या मिलेगा? टेंटिकल्स मिलेंगे. मतलब ये क्या मिलेंगे? इस तरीके के सीलिया मिलेंगे. क्या मिलेंगे? इस तरीके के सीलिया मिलेंगे. आई बात समझ में? जो कि क्या करने में काम में आते हैं? मूवमेंट करने में. किसमें? मूवमेंट करने के काम में आते हैं. क्लियर है? समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट है. देखो, अब मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं उसके एग्जाम्पल की. कैसे याद करोगे? इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लूरोब्लेकिया और टीनोप्लेना. ठीक है, देखो कैसे याद करोगे. देखो, टीनोफोरा है. क्या है? टीनोफोरा है. तो टीनो से ये समझ में आ रहा है? टीनो से क्या बताया जा रहा है? टीनोप्लेना. क्या बताया जा रहा है? टीनोप्लेना. ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद हो जाएगा टीनोप्लेना. ठीक है, और फोरा से कैसे याद करोगे? फोरा यानी क्या होगा? फोरा पी से याद क्या रखोगे? पी से क्या याद रखोगे? प्लूरोब्रेकिया. क्या याद रखोगे? प्लूरो पी है ना, प्लूरोब्रेकिया. आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, टीनोफोरा का एग्जाम्पल क्या होगा? टीनोप्लेना और प्लूरोब्रेकिया. आई बात समझ में? कुछ इस तरीके के जानवर होते हैं, चमकते हैं ये लाइट में. क्लियर है? अपन ने अभी नहीं देखे हैं ये. ठीक है, सुनो, ग्रेट टिश्यू, रेडियल, डिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट, ये सारा का सारा अपन फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं. फर्स्ट वीडियो जब देखना बहुत जरूरी है ना. ये सारी की सारी चीजें लगभग फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं, है ना. मेन चीज अपन ने ये पढ़ना है अपन को, यूनिक फीचर. दूसरा एग्जाम्पल पढ़ना है, थोड़ा रिप्रोडक्शन देखना है. ठीक है, बस ये तीन चीजें मेन अपन को पढ़नी है. ठीक है, चलो और सुनो. अब बात करते हैं अपन प्लैटी हेलमेंथीस की. किसकी बात करते हैं? प्लैटी हेलमेंथीस. देखो, प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट.
फ्लैटिंग का मतलब क्या होता है? फ्लैट। सुनना ढंग से, पूछूंगा मैं सबसे। फ्लैटी का मतलब होता है फ्लैट, और हेलमिंथ का मतलब होता है वार्म। हेलमिंथ का मतलब क्या होता है? फ्लैटी का मतलब होता है फ्लैट, और हेलमिंथ का मतलब होता है वार्म। हेलमिंथ का मतलब होता है वार्म, ठीक है? क्या होता है हेलमिंथ का? वार्म मतलब होता है क्या होता है? वार्म। समझ पा रहे हो? तो फ्लैट वार्म होगा इसका आंसर। क्या होगा? फ्लैट वार्म होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना है, चपटी वार्म है। कैसी है ये? चपटी। आ रही बात समझ? जैसे मच्छर होता है उसको क्या कर देते अपन? बिल्कुल फ्लैट कर देते ना, वैसी इसकी वार्म होती है, चपटी वार्म होती है ये। ठीक है, अब ये सब तो मैं बता ही चुका हूँ, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल सब इसके अंदर, बायोलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल बता ही चुका हूँ सब कुछ। ट्रिप्लोप्लास्टिक तीन लेयर होती है इसके अंदर। कितनी लेयर होती है? तीन लेयर होती है, पहली दूसरी तीसरी, तीन लेयर होती है टोटल। कितनी लेयर होती है? तीन लेयर से इसकी बॉडी बनी होती है। कितनी लेयर से बनी होती है? तीन लेयर से बनी होती है। बायोलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है? ये दो हिस्सों में टूट जाती है। कितने में? दो हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में टूट जाती है, उसे क्या कहते हैं? बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल। ये भी बता चुका हूं मैं ना आपको, फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, है ना? एसिलोमेट होती है, ये भी बता चुका हूं आपको, याद रखना है, एसिलोमेट होती है ना? अब मेन अपन हैबिटेट देखेंगे कि कहां ये मिलती है, ये पढ़ेंगे आज से, है ना? हैबिटेट से। हैबिटेट क्या होती है? बाकी का पहला फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है? अब सुनो, हैबिटेट कैसी होती है? एक्वाटिक होती है। कैसी होती है ये? एक्वाटिक होती है वॉर्म। कैसी होती है? एक्वाटिक वॉर्म होती है, ठीक है? और एक्वाटिक ये मतलब कुछ जो होती है, जैसे प्लेनेरिया है। कैसे? एक्वाटिक कौन सी है ये? प्लेनेरिया। कौन सी? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक एक्वाटिक वॉर्म है। कैसी वॉर्म है? एक्वाटिक वॉर्म है प्लेनेरिया, ठीक है? वो भी इसके अंदर ही आती है। किसके अंदर आती है? इसके अंदर आती है प्लेनेरिया, ठीक है? दिखती कैसी है? इस तरीके की दिखती है प्लेनेरिया। किस तरीके की दिखती है? इस तरीके की ये वॉर्म दिखती है, इस तरीके की। समझ पा रहे हो ये बात? तो इस तरीके की ये वॉर्म दिखती है, जिसका नाम क्या होता है? प्लेनेरिया। पतली है, चपटी है ये वॉर्म, ठीक है? इसमें ये जो वॉर्म है, इसके अंदर आंखें होती हैं। क्या होती हैं? आंखें होती हैं। क्या होती हैं? आंखें। ये जो आंखें होती हैं, देख मैंने तो बताया था, ये खूबसूरत लड़की को देख नहीं पाती। क्या नहीं करती है ये? खूबसूरत लड़की को देखने के लिए आंखें नहीं है ये। ये तो सिर्फ रोशनी, सूरज की जो रोशनी होती है, सूरज की जो रोशनी होती है उसको देख पाती है आंखें। समझ पा रहे हो ये बात? अगर ये सूरज को देखेगी तो उससे दूर भाग जाएगी। रोशनी से क्या भागती है? ये दूर भागती है। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? तो ये पानी में तैरती है। कहाँ रहती है ये? पानी में रहती है। क्लियर है? इसका नाम क्या है? प्लेन जैसी है, प्लेनेरिया। कैसी है ये? फ्लैट है बिल्कुल। कैसी है ये? फ्लैट है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखना भाई। कैसी है ये? फ्लैट है, ठीक है? अब सुनना ढंग से। कुछ जो होती है, कुछ वॉर्म ऐसी भी होती है जो एंडो पैरासाइट होती है। क्या होती है? एंडो मतलब क्या होता है? एंडो, एंडो मतलब क्या होता है? एंडो मतलब होता है अंदर। क्या होता है एंडो का मतलब? और पैरासाइट मतलब क्या होता है? जो दूसरे ऊपर डिपेंड रहते हैं ना। एंड पैरासाइट मतलब अंदर, अंदर एंडो पैरासाइट है, ठीक है? खाना खाना चूसते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? खाना खाते हैं, ठीक है? ठीक है, तो ये एंडो पैरासाइट है। क्या ये? अंदर अंदर जाते हैं और खाना चूसते हैं। क्या करते हैं ये वॉर्म जो होती है, ये क्या करती है? अंदर जाती है और क्या करती है? खाना चूसती है। इसका एग्जाम्पल कोई? इसका एग्जाम्पल है लिवर फ्लूक। क्या एग्जाम्पल है इसका? लिवर फ्लूक, ठीक है? इसका मैं बताऊंगा एग्जाम्पल। ये देखो लिवर फ्लूक, ठीक है? ये देख रहे हो लिवर फ्लूक, देख रहे हो ये वाली? ये लिवर फ्लूक है, ये प्लेनेरिया है। ये क्या है? प्लेनेरिया है। फ्लैट है, चपटी है ये वॉर्म, ये भी चपटी है। और ये भी क्या है? टीनिया सोलियम। क्या ये? टीनिया सोलियम। क्या ये? टीनिया सोलियम। ये भी फ्लैट है। ये टेप वॉर्म भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? कभी टेप देखा कितना पतला होता है, बिल्कुल ऐसे खोलते जाते हैं अपन टेप को, ऐसे 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 खोलते हैं टेप को। देखा टेप को खोला कभी ऐसे ऐसे? तो बिल्कुल वैसी टेप वॉर्म है, बिल्कुल टेप जैसी है ये। कैसी है ये? टेप जैसी है। और जो है जैसे ही अपन खोलते हैं तो चिपक जाता है टेप ऐसे, तो वैसे ये भी चिपक गया टेप। आई बात समझ में? तो इसमें टेप वॉर्म आएगा, लिवर फ्लूक आएगी, और क्या आएगी? प्लेनेरिया, ठीक है? तो ये लिवर फ्लूक कहां मिलेगी? लिवर में। किसके लिवर में? ह्यूमन के। किसके? ह्यूमन के लेवर में मिलती है इसके लिए, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? लिवर फ्लूक। आई बात समझ में? और लिवर का जो भी खाना होता है वो चूसती है लिवर से। लिवर में जो भी खाना होता है वो क्या करती है? चूसती है, ठीक है? प्लेनेरिया जो है ये कहां मिलती है? एक्वाटिक है ये। कैसी है ये? पानी में रहती है। कहां रहती है ये? पानी में रहती है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? आ रही बात समझ में? ठीक है। और जो है ये कहां मिलती है? टीनिया सोलियम, पिग वगैरह में मिलती है। किसमें मिलती है ये? पिग वगैरह में मिलती है। कहां मिलेगी? पिग में। ये पिग का सारा खाना खाती है कौन? ये वाली वॉर्म। हमारे लिवर का खाना खाती है कौन? लिवर फ्लू की वाली वॉर्म। और ये बढ़िया एंजॉय करती है, पानी में मजे करती है। ये कौन सी वॉर्म है? एक्वाटिक वॉर्म। आई बात समझ में? तो तीन तरीके की आपको क्या बताती मैंने? वॉर्म्स बता दी। क्या बता दी? वॉर्म्स।
मुझे एक बात बताओ, अपन जो खाना खाते हैं कितने टाइम खाते हैं? तीन टाइम खाते हैं। किसमें खाते हो? प्लेट में खाते हो? प्लेट में खाते हैं। तो भाई प्लेट में अपन क्या खा रहे हैं? खाना खा रहे हैं। कितने टाइम? तीन टाइम। कितने टाइम? तीन टाइम। सही बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं। प्लेट यानी होता है प्लेटी। प्लेट से क्या हो गया? प्लेटी हेलमिंथीस। कैसी? प्लेटी हेलमिंथीस। ठीक है। और जो होती है प्लेट कैसी होती है? कैसी? फ्लैट होती है, प्लेन होती है? प्लेट कैसी होती है? फ्लैट होती है, प्लेन होती है ना। तो इससे क्या आ गया? प्लेनेरिया। प्लेन होती है ना ये प्लेट, फ्लैट होती है ना, तो ये इससे क्या आ जाएगा? प्लेनेरिया। क्या आ जाएगा? प्लेनेरिया। आई बात समझ में? ठीक है। फर्स्ट से क्या आ जाएगा? फैसियोला। क्या आ जाएगा? फैसियोला। ठीक है। और टी से क्या आ जाएगा? टीनिया। क्या आ जाएगा? टीनिया। आई बात समझ में? ठीक है। या फिर टीनिया या फिर टेप वॉर्म भी लिख सकते हो उसको, तुम डायरेक्ट टेप वॉर्म भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। टेप वॉर्म। ठीक है। फैसियोला का दूसरा नाम क्या होता है? लिवर वॉर्म। क्या होता है? लिवर, लिवर में प्रेजेंट रहती है। ठीक है। तो लिवर वॉर्म। क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? याद हो गया? तो प्लेट क्या हो गई? फ्लैट होती है, प्लेन होती है, प्लेन प्लेट होती है ना, प्लेन पे प्लेन प्लेट दे दो, है ना। आर्यस में कोई ऐसी प्लेट में तो नहीं खाता ना, कोई कोई ऐसी प्लेन प्लेट में तो नहीं खाता। खाता है क्या? ऐसी फ्लैट प्लेट में खाते होगे ना, है ना, ऐसी फ्लैट प्लेट में खाते हो ना, तो ये प्लेन प्लेट में खाते हो ना। बस तो ये बात ध्यान रखना, प्लेन होती है यानी प्लेनेरिया। प्लेट जो होती है प्लेन होती है, प्लेनेरिया। प्लेट से क्या आएगा? प्लेटी एलिमेंटीज। तो प्लेटी एलिमेंटीज में कौन कौन आते हैं? एक तो प्लेनेरिया, एक फैसियोला यानी लिवर फ्लूक, है ना, और लिवर फ्लूक, और दूसरी कौन सी हो जाएगी? टीन से क्या हो जाएगा? टेप वॉर्म। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? एक ट्रिक याद हो गई, एग्जांपल याद हो गए, तो ये बात ध्यान रखना भाई। चलो अब इसके बात करें रिप्रोडक्शन की, तो सुनते जाना। इसमें यूनिक फीचर्स देखेंगे। अब क्या देखेंगे इसमें? क्या चीज नई है भाई? पहले पहला अपन ने जब वीडियो देखा था तो उसमें तो सब आ गया था लगभग लगभग, तो इसमें नया क्या है? तो नया क्या है इसमें देखना, सुनना ढंग से, कि ये अनसेगमेंटेड रहती। कैसी रहती है? इसमें सेगमेंटेड नहीं होती भाई। सेगमेंटेशन में तो मैंने आपको बताया है ना कौन कौन आता है सेगमेंट में। सेगमेंट में याद है ना, अन्ना याद है ना, अनार है ना, तो एनेलिडा आता है। क्या आता है? एनेलिडा आता है। और कौन सा आता है? आर्थ्रोपोडा आता है। ठीक है, ठीक है, अनार अनार है ना, आर्थ्रोपोडा आता है। तो ये थोड़ी आएगा प्लेटी एलिमेंटीज, थोड़ी आएगा प्लेटी एलिमेंटीज, आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये अनसेगमेंटेड होती है, इनमें कोई सेगमेंट नहीं होती, धारिया नहीं होती इनके अंदर। क्या नहीं होती? अनियानी नहीं, अनियानी नहीं। और सेगमेंट मतलब क्या होता है? सेगमेंट मतलब क्या होता है? धारियां। क्या होती है? धारियां। ठीक है, तो इसमें धारियां नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? धारियां नहीं मिलती। ठीक है, क्लियर है? चलो इसमें धारियां नहीं मिलेंगी, हटा दे धारियां। चलो हटा दी। अब सुनो, कैसी होती है ये? फ्लैट होती है। वॉर्म कैसी होती है? गोल होती है। वैसे कैसी होती है वॉर्म? गोल होती है। लेकिन ये कैसी है? चपटी है, फ्लैट है, तो फ्लैट बॉडी होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब इसका एक यूनिक फीचर और है कि इसके अंदर मिलते हैं, एक तो ये है आपका, इसमें मिलते हैं फ्लेम सेल। कौन से सेल मिलते हैं? फ्लेम सेल। ठीक है, जो है जलाने वाले सेल, फ्लेम सेल, है ना। ये काय के काम में आते हैं? ये फ्लेम सेल है, जलने वाले सेल्स हैं। किस काम में आते हैं? जब जलन होती है, कहां जलन होती है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में होती है, जलन हो रही है, तो भैया ये जो है एक्सक्रीशन के काम में आते हैं एक तरीके से। किस काम में आते हैं? एक्सक्रीशन के काम में आते हैं। आरी बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना। एक्सक्रीशन मतलब बाहर निकालना। क्या करना? बाहर निकालना वेस्ट को, है ना। तो वेस्ट बाहर निकालते हैं किस सेल्स के थ्रू? फ्लेम सेल्स के थ्रू। किसके थ्रू? आग लगी रहती है। किसके अंदर आग लगी रहती है? पूछूंगा आपको, क्या बोलोगे? किसके अंदर लगती है? किसके अंदर लगी रहती है? इन फ्लैट वॉर्म्स के अंदर। क्या निकालने की? क्या की? क्या निकालने की आग लगी रहती है? कचरा निकालने की। क्या लगी रहती है? आग लगी रहती है। तो ये आग वाले सेल है, फ्लेम सेल। क्लियर है? ये यूनिक फीचर है, याद रखना पड़ेगा ये। ठीक है, तो आग वाले सेल किसमें मिलते हैं? प्लेनेरिया में। क्या करने के काम में आते हैं? कचरा निकालने के काम में आते हैं। क्या निकालने के काम में आते हैं? अरे कचरा निकलेगा फिर जला देते हैं ना अपन, फ्लेम सेल। याद रखो भाई, कचरा निकलता है उसको जला देते हैं, इस तरीके से याद रखो। ठीक है, इसके अंदर और क्या मिलेगा? हुक्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? हुक्स, सकर। हुक होता है चिपकने के लिए, हुक क्या होता है? देखो ये लेवर में मिलती है, लेवर वॉर्म है ये, कहां मिलती है? तो लेवर में जाएगी तो पहले लेवर से अटैच भी तो होना पड़ेगा। ब्लड में से होते हुए, जैसे ब्लड से होते हुए लेवर में पहुंचेगी, कहां पहुंचेगी? तो अगर लेवर में चिपकना है तो पहले हुक से अटकना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? ऐसे
हुक से अटकना पड़ेगा, अटक गई, ये होता है हुक। हुक इस काम में आता है अटकने के लिए, किस काम में आता है अटकने के लिए, ठीक है, अटक गई तो ये होता है हुक। उसके बाद क्या करेगी ये, चूसेगी, क्या करेगी ये, उसको चूसेगी, क्या करती जाएगी इसको, चूसती जाएगी। आई बात समझ में? तो ये शकर होते हैं चूसने के लिए, शकर किस काम में होते हैं, चूसने के लिए, ठीक है। और जो है अटकने के लिए हुक्स, अटकने के लिए, अटकने के लिए हुक्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? हुक्स होते हैं अटकने के लिए, शकर होते हैं चूसने के लिए, ठीक है भाई, समझ में आ रही है? ये बात ध्यान रखना। तो ये क्या करती है, क्या चूसती है ये भाई, लिवर में कोई दूध थोड़ी मिलेगा, क्या मिले, क्या चूसेगी, एब्जॉर्ब क्या करेगी, न्यूट्रिएंट्स वगैरह लिवर में क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है, फूड मिलता है, उसको चूसेगी बढ़िया, ठीक है, लिवर में से, समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखना भाई। देखो जितनी भी वॉर्म्स होती है ना, जितनी भी वॉर्म्स होती है, अंडा बनाती है, क्या बनाती है, अंडा, अंडे में, अंडे से क्या बनता है, लार्वा, अंडे से क्या बनता है, लार्वा, और फिर लार्वा से क्या बनती है, लार्वा से ये बन जाती है, जैसे टेप वॉर्म हुई या कोई भी वॉर्म हुई, ये सारी की सारी वॉर्म्स होती है, किससे बनती है, लार्वा से बनती है। आई बात समय में? तो डेवलपमेंट कैसी होगी, डेवलपमेंट कैसी होगी, इनडायरेक्ट कैसी होगी, क्योंकि तो क्या बन रहा है बीच में, डायरेक्ट, डायरेक्ट अंडे से क्या नहीं बन रहा है, डायरेक्ट अंडे से अगर ये वॉर्म बन जाए तो उसे कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, क्या कहते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, आदि बात समझ में? लेकिन क्या नहीं बना, बोलो जरा, बोलोगे तभी आएगा। लेकिन यहाँ पर पहले एग से लार्वा बना, फिर लार्वा से क्या बना, वॉर्म बनी, तो ये कैसी हो गई, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कैसी हो जाएगी। तो कौन सी मिलती है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मिलेगी, कौन सी मिलेगी, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं मिलेगी। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। और देखो, ठीक है, ये जो प्लेनेरिया है, सुनना ढंग से पूछूंगा मैं ना, ये प्लेनेरिया क्या करती है, सुनना, इसकी बहुत खास बात है, ये बच्चे कैसे पैदा करती है, सुनना, मजा आ जाता है ये जब बच्चे पैदा करती है। देखो ये जो प्लेनेरिया है, इस तरीके की दिखती है, ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और उसके बाद ऐसे किया, ऐसे किया, इस तरीके की दिखती है ये वॉर्म, ठीक है। तो ये इस तरीके की दिखती है वॉर्म, प्लेनेरिया, आई बात समझ में? अब क्या करती है, जैसे इसको बच्चे पैदा करने होते हैं तो ये क्या करती है, ये है ना, एक्सीडेंटली मान के चलो टूट गई है, क्या करती है, अपने आप को तोड़ देती है, क्या कर देती है, अपने आप को कितने हिस्सों में तोड़ा, 1, 2 और ये 3, तीन हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है। तो ये तीन हिस्सों में तोड़ देती है अपने आप को, क्या करती है, ये तीन हिस्सों में तोड़ देती है। तोड़ने के बाद इस तरीके से देखो, ये प्लेनेरिया है, क्या ये प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया ने कितने हिस्सों में तोड़ दिया अपने आप को, 1, 2 और 3 हिस्सों में तोड़ दिया। अब हर एक हिस्सा जो है, देखो एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा और एक हिस्सा ये रहा, ठीक है। अब हर एक हिस्से से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। जैसे ये है, इसने अपना ऊपर का हिस्से से क्या बनाया, बीच का हिस्सा भी बना दिया और नीचे का भी हिस्सा बना दिया, ठीक है। इस वाले बीच वाले हिस्से से क्या बन गया, बीच वाले हिस्से से क्या बन गया, ऊपर वाला हिस्सा भी बन गया और नीचे वाला हिस्सा भी बन गया, ऊपर वाला हिस्सा भी बन गया और नीचे वाला हिस्सा भी बन गया। तो इस तरीके से ये बना देती है पूरा का पूरा। अब ये नीचे वाला हिस्सा है इसके पास, नीचे वाला हिस्सा है, तो क्या करेगी, अपना पहले बीच का हिस्सा बनाएगी और फिर ये वाला ऊपर वाला हिस्सा बनाएगी। तो ये होता है प्रोसेस, कौन सा होता है, ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, कौन सा होता है, फ्रेगमेंटेशन। डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट। और कैसी है ये, हर्माफ्रोडाइट। कौन सी फ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। हर्मा मतलब क्या होता है, हर्मा मतलब मेल और फीमेल अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे, सेम जगह। हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में मिलेंगे। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में मिलेंगे, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में मिलेंगे। क्लियर है, सब में आ गया, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन वन बॉडी, ऑन वन बॉडी। तो ऐसे लिख देना, ऐसे बनाना, ठीक है, ऐसे बनाना, ठीक है। इसी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये कौन सा है, मेल सेक्स ऑर्गन, और ये क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, एक ही बॉडी के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखना, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर मिल जाएंगे। एक ही बॉडी है ना, तो एक ही बॉडी के अंदर आपको मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन मिल जाएगा, उसे क्या कहते हैं अपन, हर्माफ्रोडाइट। और रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, फ्रेगमेंटेशन। डेवलपमेंट कैसी होती है, इनडायरेक्ट। क्लियर है, समझ में आ गया?
ठीक है, इन्हें अपन क्या कहते हैं, राउंड वॉर्म, क्योंकि ये कैसी दिखती है, ये राउंड होती है, कैसे शेप की होती है, ये राउंड होती है, मोटी होती है, गोल होती है ना, ये फ्लैट नहीं होती, क्या नहीं होती है, फ्लैट नहीं होती है, राउंड होती है, मोटी होती है, गोल में, है ना, जैसे अर्थवॉर्म देखिए, अर्थवॉर्म केचुली क्या कहते हैं, केचुआ कहते हैं ना, तो वो मोटी होती है ना, देखा होगा आपने ना, तो वैसी मोटी होती है। इसका नाम क्या होता है, एस्केरिस, क्या नाम होता है, एस्केरिस, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, आप आराम से, ठीक है। और एस्केरिस की मैं अगर आपको ट्रिक दूं, ठीक है, तो एस्केरिस जब आप देखोगे तो मैं ट्रिक यहीं से ही दे देता हूं, है ना, तो जब आप इसको देखोगे तो कैसे देखोगे, कैसे शेप की, इस तरीके की शेप की देखोगे आप, इस तरीके की हो रही है ना, ये वॉर्म कुछ इस तरीके की आप देखोगे, है ना, ये आपको दिख रही होगी, इस तरीके की दिख रही है ना, ये वाली, तो आपको ये हुक टाइप का दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये हुक, तो आपको अलग ही, आपको ये एक तो हुक दिखेगा, क्या दिखेगा आपको, एक तो हुक दिखेगा, ठीक है, ये तो हुक हो गई, और क्या दिख रहा है इसमें आपको, राउंड दिख रहा है, ये राउंड दिख रहा है, राउंड राउंड नहीं दिख रहा है, तो आपको एक वर्ड राउंड दिखेगा, ठीक है, और क्या दिखेगा बताओ, एक तो हुक टाइप का दिख रहा है, ऐसा हुक टाइप का ना, ऐसा हुक टाइप का दिख रहा है, तो हुक हो गई है, हुक लिख दिया, दूसरा अपन को क्या दिख रहा है, राउंड दिख रही है अपन को, राउंड है, तो राउंड हो गई, और तीसरा अपन को क्या दिख रहा है, ठीक है, ये जगह खाली दिख रही है, ये जगह खाली दिख रही है वाली, तो उसको अपन क्या करेंगे, फिल करेंगे, क्या करेंगे, तो फिल, याद रखना तीसरा वर्ड फिल, तीसरा वर्ड क्या रखोगे, फिल, ठीक है, ठीक है, फिल याद रखना, ठीक है, तीसरा वर्ड फिल, ठीक है, तो ये तीन, अब आगे आके आगे आप वॉर्म लगा देना, हुक वॉर्म इसका एग्जांपल हो गया, हुक तो हुक वॉर्म, दूसरा राउंड वॉर्म, और तीसरा, ठीक है, फिल वॉर्म नहीं, फिलेरियसिस कहते हैं, या फिलियल वॉर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, फिलियल वॉर्म, ठीक है, फिलियल वॉर्म कहते हैं, क्लियर है, समझ में आ गया, तो तीन इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसके, एक तो राउंड, राउंड वॉर्म, ठीक है, और क्या, हुक जैसा लग रहा है ना, हुक जैसा दिख रहा है, तो हुक वॉर्म, है ना, और तीसरा फिल करना, ये जगह खाली है, तो फिलेरियल वॉर्म, कौन सा, फिलियल वॉर्म, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, तो ये तीन तरीके की होती है, ये बाकी, ये बाकी तो फर्स्ट में बता ही चुका हूँ, ये कैसे होता है, ये बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल होता है, तीन लेयर वाला होता है, ट्रिपलोप्लास्टिक, ये सब फर्स्ट वीडियो में हो चुकी है, ठीक है, स्यूडो सीलोमेट होता है, ये भी बता चुका हूँ, ठीक है, ये कहाँ रहती है, पानी में रहती है, ये भी वैसी होती है, सेम टू सेम, कहाँ रहेंगी ये, पानी पे रहती है ये वॉर्म, और दूसरा कहाँ रहती है, ठीक है, ये जो होती है टेरेस्ट्रियल, मतलब जमीन पर, कहाँ पर रहती है ये, जमीन पर, ठीक है, तो जमीन पर भी रहती है, तारे जमीन पर, राउंड वॉर्म जमीन पर, ठीक है, समझ में आ रही है, ये बात ध्यान में रखना, तो जमीन पर रहेंगी और कहाँ रहेंगी ये, पानी में, ठीक है, आज ब्लू है पानी, पानी, ठीक है, पानी में रहेंगी, आई बात समझ में, तो ये फ्री लिविंग होती है या पैरासाइट होती है, पैरासाइट यानी अंदर रहेंगी, और फ्री लिविंग मतलब बॉडी के बाहर रहेंगी, पैरासाइट मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर रहेंगी या फिर बॉडी के बाहर रहेंगी, बॉडी के बाहर रहेंगी ये वॉर्म, ठीक है, बॉडी के बाहर, आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना, या तो बॉडी के अंदर रहेंगी तो पैरासाइट कहलाएंगी, बॉडी के बाहर रहेंगी तो फ्री लिविंग कहलाएंगी, अंदर नहीं है बाहर रह रही है, आराम से एंजॉय कर रही है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, इसका एग्जाम्पल क्या है, एस्केरिस, क्या इसका एग्जाम्पल है, एस्केरिस, ठीक है, तो इस तरीके का इसका एग्जाम्पल होता है, देखो डाइजेशन सिस्टम जो होगा वो कंप्लीट होगा, कैसा होगा, कंप्लीट है, यानी इसमें माउथ भी होगा और दो दो होंगे, एनएस भी होगी, माउथ भी होगा और एनएस भी होंगे, ये बात ध्यान में रखना, माउथ और एनएस दोनों होंगे, आई बात समझ में, अगर एक ही होता माउथ, एक ही ओपोर होता तो ये डाइजेशन सिस्टम कैसा होता, इनकम्प्लीट, सिर्फ एक ही ओपनिंग होती तो डाइजेशन सिस्टम को अपन इनकम्प्लीट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर दो दो ओपनिंग है, कितनी ओपनिंग है, दो दो ओपनिंग है, तो डाइजेशन सिस्टम को क्या कहेंगे, कंप्लीट कहेंगे, क्या कहेंगे, कंप्लीट कहेंगे, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि दो दो ओपनिंग है, कितनी ओपनिंग है, दो दो ओपनिंग है, कंप्लीट कहेंगे इसको, ठीक है, चलो अब सुनना ढंग से, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, डाइजेस्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, सब कुछ क्या रहेगा, एब्सेंट, इसमें देखो सेपरेट होंगे सेक्सेस, क्या होंगे, यहाँ पर हर्माफ्रोडाइट नहीं होगी, ये कौन सी फ्रोडाइट नहीं होगी, ये हर्माफ्रोडाइट नहीं होगी, हर्माफ्रोडाइट नहीं होगी, हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या होता था, एक ही बॉडी पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों हो, क्या हो, एक ही बॉडी पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, मेल अलग होती है, मेल के पास क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन, क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन, और फीमेल अलग होती है, क्या होती है, फीमेल अलग होती है, फीमेल के पास क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन, आई बात समझ में, तो दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, अंतर पहचान सकते हो मेल और फीमेल में, ये तो
आवाज नहीं आ रही सर। सर आपका माइक ऑफ है सर अभी। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। देखो मेल कैसा है छोटा, फीमेल कैसी है बड़ी, ये बात ध्यान रखना। फीमेल कैसी है बड़ी है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और मेल देखो आपको ऐसा दिखेगा घुमावदार, मेल कैसा दिखेगा ऐसा लग रहा है जैसे जैसे डर के बैठा हुआ है फीमेल से, लग रहा है कि नहीं। मेल क्या हुआ, बिल्कुल ऐसे घुमा हुआ है, डरा हुआ सा है, सहमा हुआ सा है, लेकिन फीमेल देखो राक्षस की तरह बड़ी बैठी हुई है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ऐसे समझ जाना जो जो है डर के बैठे गोल अपने आप को सुकड़ करके बैठे वो मेल है, और जो बड़ी सी फैल करके बैठे वो क्या है फीमेल है। तो ये इसे कहते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसे क्या कहते हैं अपन, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है मेल अलग दिखता है, ठीक है, फीमेल अलग दिखती है, फीमेल अलग दिखती है, फीमेल अलग दिखेगी, मेल अलग दिखेगा। कहीं ऐसे होता है ना अपन पहचान ही नहीं पाते मेल है कि फीमेल है, लेकिन यहाँ पर आप हल्की हल्की पहचान पाते हो। तो इसे कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसे क्या कहा जाता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मेल अलग दिखेगा और फीमेल आपको अलग दिखेगी। क्लियर है, समझ में आ गया, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। इसमें कौन कौन आता है, एक तो राउंड वॉर्म, एक क्या आता है, एक कौन सी होती है हुक वॉर्म, एक कैसी होती है हुक वॉर्म, और एक होती है फिलेरियल वॉर्म। एक कैसी होती है मैंने बताया था आपको, फिल हुक राउंड, तो तीनों वॉर्म बता चुका हूं। देखो फिलेरियल वॉर्म से एलिफेंटियासिस हो जाता है, क्या क्या हो जाता है एलिफेंटी, देखो एलिफेंटाइटिस क्या होता है ये सुनना, सुनना ढंग से, एलिफेंटियासिस क्या होता है, एलिफेंटियासिस का क्या क्या होता है कि पैर जो है एलिफेंट जैसे हो जाते हैं, ठीक है, पैर पैर कैसे हो जाते हैं एलिफेंट जैसे हो जाते हैं, दिख रहे हैं पैर एलिफेंट जैसे, देख रहे हो पैर के पैर कैसे हो गए एलिफेंट जैसे, पैर एलिफेंट जैसे, पैर एलिफेंट एलिफेंट जैसे, पैर एलिफेंट जैसे पैर, ठीक है, पैर यानी लेग्स है ना, एलिफेंट जैसे लेग्स हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे पैर एलिफेंट जैसे हो जाएंगे, दिख रहे हैं। तो वो किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर वॉर्म घुस गई है, कौन घुस गया यहाँ पर, वॉर्म घुस गई है तो उसने फुला दिया है उसको, फूल जाते हैं कोई चीज अंदर घुसे तो फूल नहीं जाएगी, तो पैर फूल गए यहाँ पर, है ना, इसके अंदर क्या घुस गई है वॉर्म घुस गई है, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये एस्केरिस कहाँ मिलती है, एस्केरिस मिलती है इंटेस्टाइन में, कहाँ मिलती है इंटेस्टाइन में। बच्चों में तुमने देखा है कि ऐसे सफेद सफेद सी वॉर्म निकलती है जब वो टॉयलेट जाते हैं तो कहते हैं तुमने बहुत ज्यादा मीठा खाया है, देखा बच्चों में सफेद सफेद कलर की वॉर्म निकलती है जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो एस्केरिस ही होती है, कौन सी होती है एस्केरिस होती है, बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आया, तो ये बात ध्यान में रखना। देखो अब ये सब अपन पढ़ी चुके हैं, फर्स्ट में ऑर्गन सिस्टम, बायलेटरल डिप्लोब्लास्टिक, स्यूडोसिलोमेट, ये भी अपन पढ़ी चुके हैं, एक्वाटिक कंप्लीट, एब्सेंट एब्सेंट, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, ठीक है, और एग्जांपल अपन पढ़ी चुके हैं, है ना, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब यूनिक फीचर्स अपन थोड़ा देख लेते हैं, यूनिक फीचर्स क्या है इसके, है ना, यूनिक फीचर देखो इसके क्या होते हैं, ये इसकी क्यूटिकल थिक होती है, इसकी क्यूटिकल क्या होती है थिक होती है, मतलब ये जो इसकी जो चमड़ी होती है ना वो कैसी होती है थिक होती है, क्या होती है थिक होती है, ये बात ध्यान रखना, इसकी चमड़ी कैसी होती है थिक होती है, मोटी होती है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। बॉडी कैसी होती है सर्कुलर, बॉडी कैसी होती है, जब अपन काट के देखेंगे तो बॉडी कैसी दिखेगी अपन को, सर्कुलर दिखेगी, राउंड वॉर्म है ये, कैसी है ये राउंड वॉर्म, तो बॉडी कैसी होगी सर्कुलर। प्लैटीएल्मिन थी इसमें बॉडी कैसी थी फ्लैट थी, प्लैटीएल्मिन थी इसमें बॉडी फ्लैट जैसी थी, और इसमें कैसी है बॉडी सर्कुलर बॉडी, कैसी बॉडी है सर्कुलर बॉडी है, तो ये अंतर है, ये बात ध्यान में रखना, और ये थिक भी है, ये मोटी है इसकी परत, क्लियर है, समझ में आ गया, तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। तो ये यूनिक फीचर्स भी हो गए, ठीक है, और वही वॉर्म है, वॉर्म है तो क्या होगा डायरेक्ट, ज्यादातर क्या होगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, कौन सा डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा इनडायरेक्ट, क्योंकि वॉर्म में मैंने बताया ना वॉर्म में अंडे देती है, अंडे से लार्वा, लार्वा से फिर जो है फिर वॉर्म बनती है पूरी की पूरी, तो डेवलपमेंट कैसी होगी इनडायरेक्ट, क्लियर है, समझ में आ गया, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगी इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कैसी होगी इंटरनल, तो मैं एक चार्ट दे दूंगा किस किस में इंटरनल हो रही है फर्टिलाइजेशन, किस किस में जो है इनडायरेक्ट होती है, एक चार्ट के थ्रू आपको आप सब पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गया, तो ये बात ध्यान, यस सर।